हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। सो गाइस, अभी आपके लिए एक शानदार सी ड्रैग रेस लेके आए हैं। कौन सी दो गाड़ियों की ड्रैग रेस है ये मैं बता देता हूँ। तो एक तरफ है हमारे पास शवि भाई की मर्सिडीज A200 और दूसरी तरफ है हमारे पास होंडा अकॉर्ड। अब दोनों गाड़ियों की अगर पावर फिगर की बात करें तो जो मर्सिडीज़ है हमारी, ये स्टेज 2+ ट्यून्ड है और ये प्रोड्यूस करती है 200 BHP और 450 NM का टॉर्क, और ये प्रोड्यूस करती है 155 BHP और 222 NM का टॉर्क। तो दोनों गाड़ियों का ऐसा एयर डायनेमिक का कोई ऐसा वो नहीं आएगा फ़र्क। फ़र्क एक है कि ये गाड़ी ट्यून्ड है तो ये बहुत ज़बरदस्त भागती है। अभी फर्स्ट राउंड शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी गाड़ी जीतती है। मैं आगे बैठ चुका हूँ शोभी भाई के साथ मर्सिडीज़ में। इसमें हम चार लोग बैठे हुए हैं और उधर सिर्फ दो लोग बैठे हैं। इसका AC ऑन रहेगा, ट्रैक्शन ESP ऑन रहेगा, उसका कुछ भी ऑन नहीं रहेगा, सब ऑफ है और नॉर्मल इको मोड में कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी करते हैं फर्स्ट राउंड शुरू। उसको लॉन्च का एडवांटेज दिया है आपने, मिल गया, दे दिया था भाई ये तो। अरे फिर से वो अपने अकॉर्ड मिस हुआ गियर हो सकता है। तो भाई फर्स्ट राउंड में जीती तो मर्सिडीज है, जीती है, लेकिन अब उनका रहा नहीं रहा भाई वो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद से उनका लॉन्च एक बार पूछ लेते हैं। मैं राइट साइड लगा लेता हूं, गियर अटक गया था। उंगलियां दिखाना। गाइस अभी कर रहे हैं सेकंड राउंड शुरू। इस बार प्रॉपर लॉन्च करेंगे वो, होपफुली प्रॉपर लॉन्च के बाद गियर भी ना अटके। 3, 2, 1 गो। उसको फिर से एडवांटेज दिया और ये पकड़ लिया और निकल गया आगे। भाई सेकंड राउंड तो बड़े आराम से, पीस ऑफ गेम। अब इसमें पांच बंदे बिठा लेते हैं। आजा भाई, आजा। कोई भाई शांति, कार्तिक भाई आप आओ, कार्तिक भाई आप आओ, भारी हो आप। कार्तिक बैठ यार। सेकंड राउंड शुरू कर, थर्ड राउंड शुरू कर रहे हैं। पीछे हम पांच लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे टोटल, और अब करते हैं शुरू। और खा गए भाई शवि भाई, इनिशियल में ही खा गए। पीछे दिखा नहीं सकता गाइस, बहुत ज्यादा भीड़ है। ब्रेक भी ले लिए, क्या हुआ, गियर अटक गया उनका। तो गाइस थर्ड राउंड दोबारा से कर रहे हैं, उनका गियर और अटक गया था, लॉन्च भी ठीक से नहीं हुआ था। तो अभी करते हैं थर्ड राउंड शुरू। उंगली हमें करनी पड़ेगी। 3, 2, 1 गो। और मतलब ही नहीं है, कोई है क्या टक्कर में। मस्त गैप बन गया। सो एक राउंड भाई अभी जाते हुए भी कर लेंगे। एक राउंड ऐसा कर लो, स्पोर्ट्स मोड हटा लो। अब कैसा कर लो, नॉर्मल मोड में लगा लो। एक तो स्पोर्ट्स मोड नहीं लगाया था भाई। अच्छा लगाया नहीं था। नहीं लगाया ना, ESP ऑफ किया था, मैनुअल लगा रखा था भाई, और वो भी हाथ से शिफ्ट कर रहा था। ओके, तो स्पोर्ट्स मोड में तो और ज्यादा एग्रेसिव करेगी जब गाड़ी अपने आप इसको मैं लॉन्च करने दूंगा। अच्छा जी, तो भाई ये सीन था, भाई ने कहा तो था कि स्पोर्ट्स मोड लगाएंगे, बट लगाया ही नहीं। तो गाइस फोर्थ राउंड में अब हमने लगा दिया है स्पोर्ट्स मोड, तो इस बार मर्सिडीज जो है वो और अच्छा परफॉर्म करेगी। और निकल गया आगे, फिर गियर अटक गया गाइस। भाई क्या बोले यार, जीत गए पर वो। नहीं नहीं भैया सही में गियर अटक गया। नहीं मैंने तो फिर भी इनको रोक दिया भाई। शवि भाई हारने लगे ना तो उनको रुकवा ही दिया भाई। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, इसलिए ले रहा हूँ बैग कि गियर अटक गया था। तो गाइस फाइनल राउंड शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। और निकल गए भाई, निकल गए। बीच वाले में ले लेना। और भाई ये था अपना फाइनल राउंड, पांच बंदे बैठा कर AC ऑन, ESP ऑन, ओनली स्पोर्ट्स गियर लगाया था, और ये रिजल्ट रहता है।
बड़े प्यार से। भाई अगर वो गाड़ी भाई अगर 12 साल पुरानी है तो वो अभी लाख नहीं चली। अपनी गाड़ी भाई यहाँ पर चेक करिए, 1,08,009 किलोमीटर चली हुई है। सो ये बातें भी ध्यान दीजिएगा। और गाइस यही थी आज की कुछ ड्रैग रेस, मतलब सारे के सारे राउंड मर्सिडीज बड़े आराम से जीत गई और मतलब मजा आया अंदर बैठ के। हम थोड़ी मस्ती भी करने लग गए थे अब तो। अगर आपको भी मस्ती पसंद आई हो, ड्रैग रेस पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो, पुराने हो, बहुत पुराने हो, बहुत नए हो, कैसे भी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय।